जबलपुर के प्रेमनगर में रहने वाले अरविंद पटेल ने बताया कि मंगलवार की रात जब वह घर आए तो देखा कि गेट खुला हुआ था। अंदर आने पर घर के किनारे कपड़ों के ढेर दिखे तो वो पास जाकर देखे तो कंबल से ढकी एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र करीब 2 से 3 माह की होगी वह दिखी। अरविंद ने बच्ची को गोद में उठाकर तुरंत अंदर ले गए और अपने परिवार वालों को बताया। परिजनों ने देखा कि बच्ची ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और कंबल से ढकी हुई है। अरविंद पटेल ने बच्ची मिलने की सूचना गढ़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी राकेश तिवारी मौके पर पहुंचे। एक तरफ जहां औलाद पाने को लोग ना जाने क्या क्या जतन कर जाते हैं, वहीं इस दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कोख से पैदा की गई संतान को लावारिस छोड़ देते हैं। घटना संस्कारधानी जबलपुर की है, जहां मंगलवार की रात अज्ञात महिला पुरुष प्रेम नगर में रहने वाले अरविंद पटेल के घर में मासूम बच्ची को कंबल में लपेट कर छोड़कर चली गई। अरविंद पटेल जब रात को काम से लौटकर घर आए तो देखा कि पार्किंग में बच्ची कंबल में लिपटी हुई मिली, जिसके बाद अरविंद ने गढ़ा थाना पुलिस को सूचना दी। बच्ची को घर के अंदर छोड़कर जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला पुरुष रात के अंधेरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला ने बच्ची को गोद में लिया है, जबकि पुरुष के हाथों में थैला है। महिला पुरुष अरविंद पटेल के घर के सामने जाते हैं, हाथों में थैला लिए युवक धीरे से गेट खोलता है। महिला बच्ची को लेकर अंदर जाती है और उसे पार्किंग में छोड़कर बाहर निकल आती है। अरविंद पटेल के घर कोई बच्ची को छोड़कर चला गया है, यह खबर जब पड़ोस वालों को लगती है तो उनके घर में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरविंद पटेल के द्वारा दी गई सूचना के कुछ ही देर बाद गृह थाना प्रभारी राकेश तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही चाइल्ड केयर की टीम को भी सूचना दी जाती है। मासूम बच्ची इतनी सुंदर है कि थाना प्रभारी राकेश तिवारी भी उसे गोद में लेकर काफी देर तक खिलाते रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची को चाइल्ड केयर की टीम को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा महिला पुरुष की भी तलाश की जा रही है जो बच्ची को छोड़कर गए थे। दरवाजा खुला था, मैं जैसे ही अंदर आया तो यहाँ पे कंबल में लपेटा हुआ कुछ देखा, पास जाके देखा तो बच्ची थी कंबल में। ये यहीं पे प्रेम नगर गया तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं, तो अभी हमने स्टाफ को आसपास लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की कोई जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ कहीं बच्चा डिलीवर हुआ हो और उनका चेहरे का प्रयास करेंगे।